हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत। और देखिए, विद्युत की जब खोज हुई तो आप ये कह सकते हो कि मानव जीवन की जो है ये बहुत बड़ी क्रांति थी। तो देखते हैं, देखिएगा आगे, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, देखिएगा विद्युत के कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से देखते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ग्रीक के एक दार्शनिक थे थेल्स, ग्रीक के एक दार्शनिक थे थेल्स, और ये आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व जो है ये बताए थे कि अंबर नामक पदार्थ को फालोवान अथवा ऊन से रगड़े जाने पर इसमें छोटे छोटे तिनकों या कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट पर 2000 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक गिलबर्ट महोदय ने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन अथवा फालोवान से नहीं, हम कोई भी पदार्थ लेते हैं और किसी दूसरे पदार्थ से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से उसमें छोटे छोटे तिनकों को या कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखिए, जो ये बताए गिलबर्ट महोदय कि छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है ये किसके कारण होता है, तो उसमें बताया गया कि जब ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो इसका मतलब लग रहा है बल, आकर्षित या प्रतिकर्षित होने का मतलब हुआ कि कुछ बल से वो पदार्थ अपनी तरफ खींच रहा है या दूर कर रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब अगर पदार्थ को रगड़ते थे तो रगड़ने के कारण पदार्थ पर जो गुण आ जाता था उस गुण को कहा जाता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी उसको कहा गया। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, ग्रीक भाषा में जो है अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। तो बताया गया कि ये आवेश जो उत्पन्न होता है ये उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। और जब आवेश उत्पन्न हो जाता था या आप कह सकते हो कि आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता था ये गुण पदार्थ में आ जाता था, तो पदार्थ को कहा जाता था कि ये पदार्थ इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, वैद्युतमय हो गया है, पदार्थ जो है वैद्युतमय हो गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की, या वैद्युतमय हो गया है कहते थे, या हम लोग कहते थे कि पदार्थ जो है पदार्थ आवेशित हो गया है, पदार्थ आवेशित हो गया है, हो गया। अब देखिए, आवेशित होने का मतलब क्या हुआ कि आवेश का क्या मतलब था। देखिए, आप का जो कॉन्सेप्ट है इसमें अगर हम बात करते हैं कि किसी पदार्थ की, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और कोई भी परमाणु लेते हैं तो
तो परमाणु में ये देख लीजिए, बीच में आपका नाभिक होता है और नाभिक में पॉजिटिव चार्ज विद्यमान रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से लिख ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में यहाँ पर चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ। अब ये कोई पदार्थ लिया गया है, कोई पदार्थ लेते हैं तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे और किसी दूसरे पदार्थ को, ये देख लीजिए इसमें बहुत सारे परमाणु दिखा दिए जा रहे हैं कुछ इस तरह से, और जब इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो देखिए बीच में सबके होगा एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। जब किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता, जैसे देखिए एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया और इसको आपस में रगड़ा गया, इसको आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से देख लीजिए क्या होता है, ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, और जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है जब किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है एक पदार्थ को, तो रगड़ने से बाहरी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकलकर दूसरे पर चला जाता है। तो देखिए जब दूसरे पर चला जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब ये आवेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो रहा है। यहां से पता चला एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला आया तो दोनों आवेशित हुए, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर निगेटिव चार्ज होगा। आप कह सकते हो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्यों चला जाता है, क्योंकि जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो है उस इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है जिससे कि वो अपनी कक्षा छोड़ देता है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें तो आप अपने घर पर हो और आपके दोस्त आए, मित्र आए और आपसे कहें कि चलिए हम लोग चलते हैं, टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो उनके बातों से जो है आप एक्साइट हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो और अपना घर छोड़ के निकल जाते हो टहलने। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हो जब इसको हम रगड़ते हैं तो पता चला कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है और उस ऊर्जा से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। तो देखिए जो आपका होता है, अभी हेडिंग दिया गया था विद्युत आवेश, ये जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये है, ये किसी पदार्थ का, देखिएगा किसी पदार्थ का, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, विद्युत आवेश, यहां पर देखिएगा लिख देते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है वैद्युत उत्पन्न करता है, अथवा आप कह सकते हो अनुभव करता है, उत्पन्न करता है, और लिखना चाहो अथवा प्रभाव का अनुभव करता है, अथवा अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए इसमें इसको अगर हम दूसरी तरह से कहना चाहें तो दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच
वैद्युत बल लगता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं वैद्युत अथवा चुंबकीय बल कार्य करता है, इस तरह से भी कह सकते हैं। और ये देखिए जो वैद्युत आवेश होता है, अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो वैद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं धन आवेश, और एक आपका होता है ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। अब देखिएगा धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लिए थे कि दो पदार्थ हैं और यहाँ से आप सपोज कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अवस्थानांतरित होकर चला गया दूसरे वाले पर, ये हो गया हमारा पहला पदार्थ और ये हो गया दूसरा पदार्थ, और यहाँ से अवस्थानांतरित होकर क्या गया इलेक्ट्रॉन। जब इसको आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, वैसे कुछ भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जाए, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन कुछ भी जा सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे पर जा रहा है, तो अगर हम बात करें कि कौन इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और कौन ग्रहण कर रहा है, तो देखिए ये जो पहला वाला है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और देता कौन है, जो धनी होता है। इसका मतलब हुआ, और लेता कौन है, जो ऋणी होता है। आप कह सकते हो कि धनी का मतलब हो गया कि जिससे जाएगा वो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा इलेक्ट्रॉन को, जो ग्रहण करेगा उस पर होगा चार्ज कैसा हमारा, निगेटिव चार्ज। तो आपका देखिए यही से स्पष्ट हो रहा है। अब हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किस पर है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, जब इलेक्ट्रॉन ये दूसरा वाला लिया तो हम कह सकते हैं कि लेने का मतलब इसके पास अधिकता हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन को देगा जाहिर सी बात है अधिकता इसके पास नहीं आएगी, ये इलेक्ट्रॉन को जब दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी आएगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि धन आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको आप रटना नहीं, कुछ रटना नहीं है इसमें। देखिए धन आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। देखिए कितना अच्छे ढंग से यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अगर कोई पूछे ऋण आवेश क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आप इसमें कह सकते हो किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश निगेटिव चार्ज अथवा ऋण आवेश कहलाता है। तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर कोई पूछे कि ये किसने डिवाइड किया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज को दो भागों में डिवाइड किया था। और चार्ज को दो भागों में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में डिवाइड किए थे। ऐसा क्यों था कि प्लस और माइनस में डिवाइड किए थे, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो इनका कहना था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, और इस तरह से इसको हम रब करते हैं, किसी तरह से इस पर देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस है, या प्लस अगर माइनस ना ही दिखाना चाहो, और किसी दूसरे पदार्थ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के अगले पर गए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर अगर यहाँ पर गया है इस तरह से, और अगर हम दोनों को ऐसे मिला दें, दोनों को मिला दें
तो ये इस पर कोई चार्ज नहीं रह जाता था, कोई चार्ज नहीं रह जाता था। अभी तक तो ये पांच पांच आवेशित हैं, लेकिन मिला देने पे कोई चार्ज नहीं रह जाता था। तो अगर हमारे पास दो वैल्यू दिए गए हों, दो न्यूमेरिक वैल्यू दिए गए हों, दो आंकिक मान हों, और उसका मान जीरो कब हो सकता है, स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो कि जीरो कब होगा दो मान, जब एक मान प्लस रहेगा और एक मान माइनस रहेगा। उसी के बेसिस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है चार्ज को दो भागों में डिवाइड किए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मूल आवेश की, आगे हम लोग बात करते हैं मूल आवेश की। देखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मूल आवेश। मूल आवेश ये क्या होता है, देखिए मूल आवेश इसको कहा जाता है फंडामेंटल, फंडामेंटल चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, देखिएगा किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर, किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर वह न्यूनतम आवेश, या यहां पे चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा फटीक डेफिनेशन हो जाएगा, वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर, किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर हो सकता है, हो सकता है मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। इसको आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, मूल आवेश का क्या मतलब है। जैसे अगर हम एक पदार्थ लेते हैं तो इस पदार्थ पर हम आपसे कहें कि 10 कूलम आवेश, आवेश का यूनिट कूलम होता है, या चलिए अगर आप मात्रक हमको भी नहीं पता है तो यहाँ सिर्फ हम लोग लगा लेते हैं कितना, इकाई। हम कहते हैं किसी भी पदार्थ पर 10 इकाई आवेश है, तो अगर 10 इकाई आवेश है इसका मतलब और कम हो सकता है। अब कितना कम हो सकता है, 9 इकाई, 8 इकाई, 7 इकाई, और घटते घटते आ गया ये कितना, 1 इकाई। अब इससे कम नहीं हो सकता आवेश, अगर मान लेते हैं कि कोई भी मान हो सकता है इसके स्थान पर, कि इससे कम नहीं हो सकता, कम से कम इतना आवेश हो सकता है, कुछ भी हम वैल्यू, कोई एक फंडामेंटल वैल्यू होती है, निश्चित वैल्यू होती है आप कह सकते हो, तो उससे कम जो है इस पर चार्ज नहीं हो सकता। तो किसी भी वस्तु पर आप सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि किसी वस्तु पर कम से कम, कम से कम जितना आवेश होता है, जितना आवेश होता है या हो सकता है, हो सकता है, वही मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। ये देखिए मूल आवेश कहलाता है, आसान भाषा में आप ये कह सकते हो। और मूल आवेश का जो मान होता है इसको देखिए हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ई से, मूल आवेश को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ई से, स्मॉल ई से, इस तरह से ई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। आप ये मान याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिएगा ई आपका जो यहां पर शो किया गया है, अगर आपसे कोई पूछे कि ई का मान कितना होता है या मूल आवेश का मान कितना होता है, तो आपको कहना है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम जो है वो मूल आवेश का मान होता है। आगे देखिए हम लोग एक टॉपिक की बात और करते हैं, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिएगा आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता क्या होती है, देखिएगा
क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये कोई भी वस्तु हो और इस पर जो आवेश उपस्थित होते हैं, आवेश को लिख लेते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को अनिश्चित अनिश्चित रूप से विभाजित विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को, इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को वैद्युत आवेश नहीं, आवेश की परमाणुता है, सॉरी, आवेश की परमाणुता कहते हैं, परमाणुता कहते हैं। इसमें देखिएगा, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश की परमाणुता कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई भी पदार्थ था, तो अभी जब बताया थे कि बाहर से उसको एनर्जी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी वस्तु पर जो मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश का मतलब क्या होता है, ई। और आप कह रहे हो कि अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है किसी भी वस्तु पर या तो आवेश होगा ई, या तो होगा 2E, या तो होगा 3E, या तो होगा 4E, या 5E, एंड सो ऑन, कितना NE भी आप कह सकते हो। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु पर 3E/2 आवेश हो, ये पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर E/2 आवेश हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मूल आवेश जो होता है किसी वस्तु पर, न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है, ई आवेश हो सकता है। और अगर ई में हम 2 से भाग करेंगे तब तो वो वैल्यू कम हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो वो तो मान कम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं 3E/2, तो 3E/2 का मतलब हुआ कितना, एक इलेक्ट्रॉन प्लस E/2, इसी का मतलब हुआ क्या, 3/2। तो देखिए, E तो हो सकता है लेकिन E/2 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश और पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण मतलब एक, या तो 2, या तो 3, या तो 4, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं N, जहाँ N जो है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, where N equal to 1, 2, 3, 4 and so on, कुछ भी हो सकता है N का मान। तो यहाँ से देख लीजिए, एक फार्मूला हमारा बन गया, आप कह सकते हो यहाँ से एक हमारा देखिए फार्मूला बन रहा है। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, देखिए सूत्र क्या बन रहा है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर, वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q, आवेश को हम लोग Q से लिख रहे हैं,
Q बराबर n इंटू E इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए E क्या है, E का मतलब आप लोग बताए थे, E का मतलब होता है मूल आवेश इंटू n, तो इंटू यहाँ n है, n का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ से देखिए एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई भी पदार्थ है चलिए हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉनों 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है पदार्थ पर आवेश ज्ञात कीजिए, या पदार्थ पर कितना आवेश होगा ज्ञात कीजिए, तथा उसकी प्रकृति बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, सवाल लिख दिया गया है, अब इसको आप समझिए, कोई पदार्थ है और किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की 10 इलेक्ट्रॉनों की, तो ये 10 क्या है, 10 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन वैल्यू है दी गई वैल्यू है उसमें हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10। और क्या कहें यहां पर 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता है, आप लोगों को अभी हम पढ़ाए थे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अगर कोई भी पदार्थ होता था उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती थी तो बताइए वो चार्ज वो पदार्थ कैसा होता था, धनावेशित या ऋणावेशित, आप लोग अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बताए, आप लोगों को यही बताए थे कि अगर कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है चूंकि ये ग्रहण किया था तो इस पे जो चार्ज आया था वो चार्ज कैसा आया था, निगेटिव कि पॉजिटिव, तो चार्ज आया था निगेटिव, इसका मतलब एक आंसर यहां से हमारा एक आंसर सवाल में ही दिया है, और वो क्या है कि तथा उसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति का मतलब कि वो पदार्थ धनावेशित है कि ऋणावेशित है, और जब इसमें कहा गया कि 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या, यहीं से देख लीजिए अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ होता है ऋणावेशित, तो एक आंसर हमारा मिल गया है कैसा, ऋणावेशित। लेकिन अगर सवाल में यहीं पर कहा होता कि किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो जो हमारा पदार्थ होता वो कैसा होता, वो पदार्थ हमारा होता धनावेशित, तब हमारा पदार्थ हो जाता धनावेशित, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो पदार्थ कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, और कितना ऋणावेश उस पर होगा वो हमको ज्ञात करना है, तो हम आवेश की मात्रा Q बराबर फार्मूला पढ़े हैं n इंटू E, Q बराबर n का मान देख लीजिए कितना है 10 इंटू E, E का मान हम आप लोगों को बताए थे उसको याद कर लीजिएगा, और वो मान बताए थे 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब यहां से देखिए Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, या एक घात आप माइनस कर लीजिए 1.6 यहां पर प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस कितना 18 कूलम।
तो उस पदार्थ पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलाम, क्या ऋण आवेश, ये हमको कहना है। उस पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलाम का ऋण आवेश होगा, इस तरह से हमको आंसर में लिखना है। अतः पदार्थ पर 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलाम का ऋण आवेश होगा, इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो वैद्युत आवेश है, ये देखिए इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम, जैसा कि अभी लिखे थे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ई का मान कूलाम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है। एसआई का मतलब बताया गया होगा आप लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। और देखिए कुछ विशेष पार्टिकल पर जो है चार्ज देख लीजिए, कितना कितना चार्ज होता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन पर आप देखिएगा, पूछा जाता है ये भी, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अगर आपसे कोई पूछे चार्ज कितना होता है, तो आप बताइएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और यहाँ चाहो तो आप माइनस लगा सकते हो। माइनस का मतलब क्या है कि ऋणावेशित, माइनस का मतलब क्या है ऋणावेशित। अगर ये माइनस ना लगाना चाहो, माइनस आप नहीं लगाते, केवल प्लस के फॉर्म में ऐसे लिखते हो, ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। आप कहीं पर कोई इंटरव्यू देने गए हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने गए हो, या कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको कहना है कि −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, चाहे आप इस तरह से कहिए। या अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते हो आगे, तो आप कह सकते हो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम ऋणावेश, इस तरह से, या ऋणावेश इस तरह से आप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का ऋणावेश होता है, ये आपका, ये भी आपका सही है। और देख लीजिए प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। देखिए प्रोटॉन पर जो आवेश लिया जा रहा है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, किसमें, परिमाण में, परिमाण में तो बराबर है, मात्रा में बराबर है, लेकिन यहाँ पर कहे थे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। लेकिन यहाँ जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश होता है। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो हम लोग कहेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का धनावेश होता है। और देख लीजिए अल्फा कण, ये हमारा था प्रोटॉन पर, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा कण पर आवेश होता है 2e के बराबर, और e का मान हमको पता है, तो 2 × 1 मान 1.6 × 10⁻¹⁹ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 16×32, एक अंक पर 0.3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का धनावेश होता है। तो ये आपका था चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज का ये आपका कॉन्सेप्ट था। आगे देख लीजिए आपका बच रहा है अब इलेक्ट्रिक करंट बच रहा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम सोच रहे हैं कि अब उसको अगले क्लास में लें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इतना पढ़िएगा और वैसे लिख डेफिनेशन जो था लिख दिए थे, इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, फिर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई समस्या होगी तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।